आएगी आएगी, नदी नहीं है, छोटा सा Hi friends, continue watching to day 1 part 2 vlog. बड़े ऐसी डिजाइन था। अभी हम पीछे रुके थे, वहाँ पे एंट्री फीस थी और वहाँ पे मतलब गाड़ी की का गाड़ी लेके आ रहे हो पर्सनल, ओ ओ सॉरी ऑफ रोडिंग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अच्छी है। तो अगर गाड़ी लेके आ रहे हो आप तो आपका पर गाड़ी का कितना रुपया, 300 रुपया, 275 पर एक गाड़ी का है, कार का। और अगर बाइक लेके आ रहे हो आप तो 75 रुपीज़ है और पर पर्सन 75 है। तो हम जैसे कि हमें 7 लोग थे और 2 गाड़ी थी तो हमारा 1,075 रुपीज़ लगा है। तो वहाँ पे ये एंट्री हो गई, एंट्री लेने के बाद आगे रूट कुछ आपको इस तरह का मिलेगा तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एंट्री करने के बाद आपको कोई ऐसा रोड मिलेगा और ये 5 किलोमीटर तक अंदर की चढ़ाई वगैरह है कुछ, और आप देख लो जितना सेक हो रहा है ना उसकी वजह से, मतलब समझ लो कितना ऑफ रोडिंग है। रुको बस आगे चल रहा है, कुछ ऐसी रोड है बढ़िया, आगे जाओ तो जाओ जाओ तो जाओ तो। ये सेकंड गाड़ी निकल रही है आ रही है। देख रहे हो ऑफ रोडिंग, 75 रुपए लेन बचे। इनसाइड लो इनसाइड लो इनसाइड लो, अरे इनसाइड दबाओ जी, दबाओ जगह है, हाँ दबाओ दबाओ दबाओ, अरे हाँ दो रेस दो रेस दो रेस दो, निकल गई निकल गई निकल गई, आ तेरी जाऊं दो जाऊं दो, पानी पानी आ गया देखा था जैसा ना, जाऊं दो जाऊं दो जाऊं दो जाऊं दो, अरे वीर आएगी आएगी, रुको मैं जाऊँ मैं जाऊँ, अरे गेट खुल नहीं रही है, नारा आ रही है भाई, अपने थोड़ी नहीं अड़ी कौन रही, ये आ रही है नदी ऊपर से बहके, नदी नहीं है छोटा सा नाला वाला बोल सकते हो आप, यहाँ पे कुछ 4-5 बेसन आ रही है और रोड देख रहे हो, ऑफ रोडिंग का फुल टू मजा है। अभी एक जुलाई से यहाँ पे अंदर गाड़ी आना अलाउड कर दिया है, तो अब गाड़ी क्या सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का बाइक लेके आने वाला हूँ। बोलो क्या, नहीं वो ऊपर बोर्ड के लो हैंग, आप नाम तो बोल दो एक बार, लो नाम तो बोल, सोनी सोनी नितेश वैष्णव भाई भाई, मोन्टू सा कुशल सोनी, आपका नाम नीरज सोनी भाई साहब, अरे राहुल भाई ऊपर ट्रेन में बजे, ट्रेन में बजे राहुल भाई, आप पूरा नाम बोलो एक बार, और नाम बोलो पूरा, हाँ राहुल सोनी भाई, हाँ राहुल सोनी, अरे और ये परम मित्र आपके ऊपर ट्रेन भी, हाँ इतने लोग हैं हम और फुल टू मस्ती इंजॉय, अभी ऊपर जाएंगे फिर खाना वाना बनाएंगे, कुछ पहले नहाएंगे थोड़ा बहुत फिर खाना वाना बनाएंगे आराम से, आएगी बाइक आएगी, देखते क्या क्या और चीज है अंदर, दोनों गाड़े पीछे से आती भी, थोड़ी देर पैदल भी चलेंगे फिर थोड़ी देर गाड़ी पे भी जाएंगे।
अरे बाप पार कर रहे हैं। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट उतर जाऊं मैं। अरे कोई चिंता नहीं, इतना भी साइड में तो आ जाओ, पत्थर पत्थर है ना देगा। एक मिनट मैं जाए पच्चा आई जो ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आउन दो आउन दो आउन दो आउन दो वो निकल गई, अब मैं निकल रहा हूँ। मौसम थोड़ा थोड़ा बारिश का हो रहा है, धूप भी है, बादल भी छोटे बड़े हैं, बारिश छांटे आ भी रहे हैं थोड़े बहुत, और मौसम भी अच्छा हो रहा है ठंडा। पापा हाँ अब गए नहीं, बड़े ऊपर नीचे उतर आया नहीं, अड़न गया थी दूसरी गाड़ी आगे से आ रही है तो उसको भी थोड़ा गाइड करना पड़ेगा क्योंकि आगे थोड़ा अच्छा खड्डा है। अरे थोड़ी अन्न काटो, हाँ बस आना आना फटाफट ले लो, आना आना फट फट ले लो कट, हाँ बस बस। गरम घाट पहुँच गया, अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। गाड़ी रखने के लिए जगह मिल गई है तो एक गाड़ी वहाँ पीछे की साइड में खड़ी करी है, वहाँ पे अच्छी जगह है, और एक गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी करी है। यहाँ से थोड़ा सा जो भी सामान है हमारा साथ में, जो भी सामान है वो सब लेके, और ट्रेन क्या सुनने दे रही है आपको, ये ट्रेन वहाँ से आ रही है और यहाँ से ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर की साइड से, ये देखो यहाँ ऊपर की साइड से पूरी ऐसे जाएगी, और वहाँ यहाँ पर स्टेशन है और झरना यहाँ पे आगे की साइड में है। तो और मंदिर जो गोरखनाथ जी का मंदिर है जो वो वहाँ पर ऊपर है, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो रुको, इसमें ये देखो ये है मंदिर यहाँ का, ये देखो ये यहाँ के गोरखनाथ जी का मंदिर ऊंचाई पे, ये करीब करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है,
तो 3 किलोमीटर चढ़ाई है, तो वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे फिलहाल। फिलहाल हम नहाएंगे, झरने के अंदर थक गए बहुत, तो 1-1.5 घंटा नहाएंगे, फिर थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद मंदिर की ओर अगर जाना पॉसिबल हुआ। लास्ट टाइम ही नहीं गए थे और इस बार जाना पॉसिबल हुआ तो इस बार हम जरूर जाएंगे। अभी बज गए 1 दोपहर के, 5 किलोमीटर अंदर आते आते हमको लग गए आराम से 2 घंटे अराउंड, 2 घंटे नहीं 1.5 घंटे के आसपास लगा है, कि काफ़ी जगह रो खड्डे बड़े बहुत ज़्यादा थे। अभी यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की है तो अभी धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया है। अभी हालत देख ही रहो कैमरे में कैसी हो रही है। और मंडू भैया हेलो, की कर हो रही है हालत? जबरदस्त धूप भी है यार, हमने सोचा कि यार कुछ बारिश वारिश मिलेगी, छांटे तो आए थोड़ी एनर्जी भी आई है। और हाँ